हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो देखिए, मैं अपना ब्लॉग तो बाद में शुरू करूंगी, पहले आपको मैं कुछ चीज़ों का लिंक दे देती हूँ, क्योंकि जब मैं ब्लॉग एंड करती हूँ ना, उस समय पे मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता और आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि दी आपसे हमने बोला था कि जो आपने ये पहना था इसका लिंक दे दीजिए, आपने उसने ये वाला पहना था इसका लिंक दे दीजिए। कल जो ब्लॉग मैंने शेयर किया था ना, उसमें मैंने एक नेकलेस पहना था ये वाला, तो आप लोगों को अच्छा लगा ये, तो इसके लिए कमेंट्स आए थे कि आपने जो सिल्वर कलर का नेकलेस पहना हुआ है एकदम लाइट वेट सा, ये आपने कहाँ से लिया? हो सके तो इसका लिंक देना, तो इसलिए मैं इसका लिंक आपको दे देती हूँ। ठीक है, ये वाला दिखा भी देती हूँ, हो सकता है कुछ व्यूअर्स मेरे नए हों जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो। तो ये देखिए, इसी के लिए बोला था ना, ये वाला नेकलेस कल मैंने पहना था, हल्का सा यहाँ से मिल गया थोड़ा सा, ये वाला कल मैंने पहना था इसे, और बहुत ही प्यारा सा है, एकदम लाइट वेट है। यहाँ से ना ये निकल गया था तो मैंने लगाया ना, तो थोड़ी अकड़न सी है इसमें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके साथ में ये छोटे छोटे से इयर रिंग्स हैं, ये वाले डायमंड डायमंड जर्किन का ये है ना, तो डायमंड छोटे छोटे स्टोन इसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला नेकलेस चाहिए, आपको पसंद है, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ले लेना। और भी दो से तीन चीज़ें और दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने मंगाई है दिवाली के लिए, और आप लोग सब जानते हो घर की सफाई होने वाली है, करवा चौथ जैसे ही निकलेगा फिर हम लोग लगेंगे दिवाली की तैयारी में, तो दिवाली के लिए घर को सजाने के लिए मैंने बहुत कुछ मंगाया है। और दूसरा मैंने क्या मंगाया है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, एक मैंने ये वुडन की जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे जाते हैं ना, वो वाली ट्रे मैंने मंगाई है, और ये ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी, यूनिक लगी। और दिवाली पे आप लोग जानते हो सभी लोग घर में आएंगे, एक दूसरे के घर जाते हैं इन्हें विश करने के लिए, तो उस समय पे अगर हम इनमें भर के, जैसे कि है तो ड्राई फ्रूट्स के लिए, लेकिन जो भी आप रखना चाहो आप वो इसमें डाल के और रख सकते हो। मुझे बहुत ही प्यारा सा सेट लगा, और वुडन का सेट है ये, जो मेरे पास नहीं बैठे हुए टाइप का, निकाल के आपको दिखाती हूँ पूरा सेट, एक पूरा सेट बना के दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये भी मेरे गोद में लेटा हुआ है, ये भी यहीं आके लेटी रहा। तो ये देखिए, इस टाइप की आपको ये ट्रे मिलेगी। ठीक है, आपको वीडियो में पता नहीं कैसी लग रही है, लेकिन बहुत बढ़िया है। और इसके साथ में जैसे छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं ये वाले, और बॉक्स का साइज भी काफ़ी गहरा है, काफ़ी बड़ा है, तो इसे हम इस तरीके से इसमें कुछ भी डाल दो और इसे इस तरीके से कवर कर दो। आप चाहो तो नमकीन भी डाल सकते हो, आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, आप चाहो तो इसमें बिस्किट भी डाल सकते हो, और एक अलग ही लुक देगी। जब ये डाइनिंग टेबल पर सजाई जाएगी ना, तो उस समय पर बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो ये चीज़ मुझे ना यूनिक लगी एकदम, और ये ऐसी चीज़ है ना, ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि वुडन की है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो। ये देखिए, तो देखिए अब मैं आपको क्या दिखाने के लिए जा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं ना, तो उनके साथ में छोटे बच्चे भी होते हैं, तो जब हम कुछ ठंडा वगैरह देते हैं ना, तो कांच के जो गिलास होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, तो बच्चे तो मतलब उसे पकड़ ही नहीं पाते, और उसके बाद उसमें हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाल देते हैं, तो और ज़्यादा भारी हो जाते हैं, बच्चों के नाजुक नाजुक हाथ होते हैं। तो इसलिए मैंने ऑर्डर किए हैं ये वाले गिलास। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हल्के, जिसे बोलेंगे ना, बहुत ज़्यादा हल्के गिलास हैं, और इतना प्यारा डिज़ाइन मुझे इसका लगा, बहुत ही प्यारा सा, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जब भी बच्चे घर पर आए तो किसी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाल के दो, बच्चे आराम से पकड़ भी पाएंगे, और बच्चों के हाथ से छूट भी जाए ना, तो ऐसा होता है क्रैक भी नहीं होता, टूटता भी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि टूटता है वो तो अलग बात है, लेकिन टूट के जो कांच कांच हो जाते हैं ना चारों तरफ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उस समय पे छोटे बच्चों के साथ उन्हें समेटना, और गेस्ट घर में बैठे रहते हैं तो इस समय पर, तो उस चीज़ के लिए मैंने ये मंगाए हैं। और ये पूरे 6 का सेट मुझे मिला है। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो इनका भी लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, पूरे 6 का सेट ही, इसमें भी रखें 3 दे रहे। ठीक है, तो ये भी अगर आपको चाहिए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इसे वहाँ से ले लेना। ठीक है, अब मैं आपको क्या दिखाती हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही प्यारी सी चीज़। तो देखिए, ये भी स्टील का स्टैंड है, और ये मैंने क्यों मंगाया है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, जब हम रोटियां बनाते हैं, रोटियां बनाने के बाद जो चकला बेलन होता है उसे हम साफ करते हैं, साफ करने के बाद अब हमें ये समझ में नहीं आता कि इसे किस जगह पे रखें, अगर खड़ा करके रखते हैं तो फिर सड़ जाता है, और इस तरीके से लिटा के रख देते हैं तो फिर क्या होता है, उस पर पानी पानी रहता है, जल्दी से ड्राई नहीं होता, तो इसकी एक जगह नहीं मिल पाती हमें। लेकिन इस पर अगर आप चकला बेलन रखोगे ना, तो अच्छा लुक भी देगा आपकी किचन का, सेफ भी रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं, कहीं से भी क्रैक नहीं होंगे, और फिसलेंगे भी नहीं, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इसकी मुझे काफ़ी टाइम से नीड थी, लेकिन मुझे मीशो से जैसे ही मुझे दिखाई दी, नज़र में आई, मैंने फटाफट से ऑर्डर कर लिया। हो सकता है आपको भी इसकी नीड हो तो आप ले सकते हो, और इसका भी लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जो पीछे इसकी स्पेस बनाई गई है ना, यहाँ पे तो हम रखेंगे चकला, और यहाँ पे हम रखेंगे बेलन,
और इसमें बैक साइड में यहाँ पे देख रहे हो नट के लिए भी बनाया गया है। अगर आप चाहते हो इसे वॉल पे भी हैंग कर सकते हो या फिर नीचे स्लैब पे रख सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से रख लीजिए। और मैं आपको इन्हें सजा के भी दिखाऊंगी जब मेरी किचन की सफाई हो जाएगी ना, सारी चीजों को मैं उसी तरीके से सजाऊंगी। इसे मंगाने का मेरा दूसरा रीजन ये है कि कई बार ऐसा होता है जैसे कि मैं कहीं पे चली जाती हूँ और पीछे जैसे कि मम्मी खाना बनाती है या फिर कोई और आ जाए, तो मुझे तो पता है मेरा सामान किचन में कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता चलता ना, जो काम करता है उसी को पता रहता है। जब ये सामने रहेगा ना तो कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे चकला है कहाँ पे बिलन है, आराम से उन्हें दिखाई भी दे जाएंगे कि हाँ यहाँ पे रखे हुए हैं, और वो भी धो के फिर वहीं पर उसी जगह पर रखे जाएंगे। तो इसे लेने का एक बहुत बड़ा फायदा है। तो अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। और देखिए ये वाली रैक मैंने इसलिए ली है क्योंकि हमारे पास ना छोटे छोटे ऐसे डिब्बे होते हैं जो हमें अंदर कवर्ड में बंद करने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें अंदर बंद ना करके इसके ऊपर अगर हम सजाएंगे ना, ये उल्टा तो नहीं पकड़ रखा, हाँ उल्टा पकड़ रखा है, तो अगर हम उन्हें कवर्ड में ना रख के इसके ऊपर रखेंगे ना तो हमारी नज़र के सामने भी रहेंगे और बार बार हमें कवर्ड खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पीछे से कोई और भी खाना बनाना चाहे ना तो उसे सारा सामान मतलब दिखाई दे जाएगा, उसे बार बार खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मसाला कहाँ रखा है, चीनी कहाँ रखी है, हल्दी पाउडर कहाँ पे रखा है, वो तो सारा मसालेदानी में है, और उसके बाद भी जैसे कि चाय पत्ती हो गई, दाल वगैरह हो गई, तो उन सबको एक डिब्बे में भर के और यहाँ पे हम आराम से सजा सकते हैं। सारा सामान मैं आपको अच्छे से डेकोर करके भी दिखाऊंगी जब मेरी दीवार की सफाई हो जाएगी। अगर आपको ये चाहिए तो इसका भी लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए अब मैं आपको क्या दिखाती हूँ, अब एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये एक मैंने ये वाला स्टैंड लिया है, ये मैंने लिया है जितनी भी घर में प्लेट वगैरह होती है ना तो मुझे उन्हें अंदर रखना होता है। और कई बार ऐसा होता है घर में मान लीजिए कोई आ गया तो हमें जैसे कि हमने ब्रेकफास्ट के लिए जैसे कि नाश्ता के लिए हमने समोसे मंगाए, कचौड़ी मंगाई, या हम कुछ और देना उन्हें चाहते हैं, तो प्लेट्स वगैरह ना अंदर देखनी पड़ती है कि कौन सी जगह रखी हुई है, क्योंकि वो प्लेट्स ऐसी है ना उनकी डेली जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं उन्हें इसमें सजा के रखूंगी सामने दिखाई भी देंगी, दूसरा ये है किचन में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर मैं इसके अंदर सारी प्लेट्स वगैरह सजाऊंगी ना तो किचन भी बहुत अच्छी लगेगी, दूसरा ये नजरों के सामने हमारी प्लेट्स रहेंगी, जब दिल करे जब भी मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा, आराम से निकालो और साफ करके इसी के अंदर रख दो। बहुत ही प्यारा सा स्टैंड है, यहाँ पे प्लास्टिक की भी इसमें साइड में लगी हुई है सपोर्ट के लिए, और काफी हैवी भी है, ऐसा नहीं है कि लाइट है। प्लेट्स ही नहीं, आप इसमें थाली भी लगा सकते हो, थाली के लिए मेरे पास अलग है और इसमें मैं रखूंगी सारी प्लेट्स वगैरह, ठीक है। तो ये भी आप लेना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ले सकते हो। अब मैंने जो भी आपको सामान दिखाया है इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से एक बार चेक कर लेना, जो आपको पसंद आए आप वो ले लेना, ठीक है। तो अब मैं जाती हूँ, सारा सामान पहले तो मैंने जो वीडियो बनाई है इसे उठा के एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि जब किचन की सफाई हो जाएगी ना तभी मैं सारा सामान सेट करूंगी, करवा चौथ के बाद मतलब, अभी तो नहीं करूंगी। और उसके बाद ही आपको एक एक चीज अपने ब्लॉग में दिखाती भी रहूंगी कि ये जो मैंने मंगाया था इसे मैंने इस जगह पे सजाया है, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, पहले जाऊंगी चाय बनाने के लिए, नहीं पहले अपनी ड्रेस चेंज करती हूँ, सारा सामान सेट करती हूँ, उसके बाद चाय बना के पीऊंगी, फिर आगे के जो काम है उनको करूंगी।